मैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल आज आपके लेकर आए वीडियो जिसमें जो मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं उनके कई प्रकार के सवाल होते हैं, उन सभी सवालों का मैं आज जवाब देना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो मरीज भर्ती होते हैं सामान्यतः उनका एक क्वेश्चन रहता है कि कब तक ठीक हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत से मरीज होते हैं जिनको भर्ती की जरूरत ही नहीं होती है, वो बिना भर्ती के ही जो ठीक हो जाते हैं। बहुत से मरीज बहुत आईसीयू में रखना पड़ता है, वेंटिलेटर में रखना पड़ता है, उसके बाद भी बहुत से मरीज ठीक नहीं होते। तो इसका मतलब ये होता है कि हम डॉक्टर जो है हमारी तरफ से तो सबके लिए बराबर से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ मरीज ठीक नहीं होते। यानी कि ठीक होना काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की शरीर की इम्यूनिटी पावर कितनी है, उसकी कीटाणुओं की लड़ने की क्षमता कितनी है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। तो इस सवाल का जो जवाब है कोई भी डॉक्टर निश्चित रूप से यह नहीं दे सकता है कि यह व्यक्ति ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सब उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि उसकी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, हो सकता है उसको भर्ती की जरूरत ही नहीं करना पड़े। और यदि कीटाणुओं की लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर होगी, कोमोर्बिडिटी होगी जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, तो हो सकता है उसको टाइम ज्यादा लगे, आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो ठीक नहीं हो। दूसरा, कई बार जो क्वेश्चन रहता है कि रेमडेसिविर किस व्यक्ति को लगना चाहिए या एक एंटीवायरल ट्रीटमेंट है वो किस व्यक्ति को लगना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो जनरली ये है कि जनरली फेमिफ्लू जो है वो तो माइल्ड केस में दी जाती है, हल्के केस में, और रेमडेसिविर इंजेक्शन जनरली बारीक केस में दी जाती है। यानी कि जिसका जैसे सीटी स्कोर 8 से ज्यादा हो, जिसको कि सांस में ज्यादा परेशानी हो, जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बहुत कम हो, जिसकी कोई कोमोर्बिडिटी हो यानी कि जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम हो, या जिसको वेंटिलेटर की जरूरत हो, सीपैप की जरूरत हो, पाइपैप की जरूरत हो, ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर रेमडेसिविर दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन जनरली ये रहता है कई बार कि कोरोना के मरीज को खाने पीने में क्या लेना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इसमें इम्यूनिटी पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इम्यूनिटी पावर यानी कि कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता ऐसी चीजों से बढ़ती है जिससे कि शरीर के अंदर विटामिन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अतः खाने में हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार से मतलब फल फ्रूट होना चाहिए, सलाद की मात्रा होनी चाहिए, सब्जी ज्यादा होनी चाहिए और नियमित रूप से खाना चाहिए या ज्यादा ज्यादा खाना चाहिए। इसके अंदर खाने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें जो आपको भूखे रहना जरूरी है, या कोई आपको यदि डायबिटीज नहीं है तो मीठा नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज है तो जरूर मीठे का परहेज है, बाकी अदरवाइज कोई परहेज नहीं है, और जूस, फल फ्रूट वो जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, विटामिन ज्यादा होते हैं, इसी चीजों का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर लेनी चाहिए। बहुत से मरीजों का ये सवाल होता है कि हम 2-3 दिन से भर्ती हैं लेकिन फिर भी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा रेगुलर डाउन होती जा रही है, तो क्या दवाइयां असर नहीं कर रही है इसमें या दवाओं को कोई फायदा नहीं हो रहा। दोस्तों, इस बात का जवाब भी इसी चीज पर निर्भर है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कितनी है। यदि व्यक्ति की कीटाणु से लड़ने की क्षमता मजबूत है तो उसकी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो सकती है। यदि कीटाणु की लड़ने की क्षमता कम है तो उसमें हो सकता है इंप्रूवमेंट आने में टाइम लगे या नहीं भी आए। कई बार ये सवाल होता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा जल्दी इंप्रूव हो या मरीज को जल्दी जल्दी आराम पड़े। दोस्तों, इस बारे में सलाह देना चाहूंगा, एक तो मरीज को ज्यादा ज्यादा उल्टा लेटाने की कोशिश करें, जिसको कि प्रोन वेंटिलेशन कहा जाता है। उल्टा लेटने से फेफड़ों की ताकत बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा इंप्रूव होती है। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्यक्ति को पूरा मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा और उसको किसी प्रकार की टेंशन नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन से मजबूत होते हैं या जिनमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, व्यक्ति हमने देखा है ज्यादातर जल्दी ठीक हो जाते हैं और उनकी ऑक्सीजन की मात्रा भी जल्दी इंप्रूवमेंट होती है।
इसमें पोर वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा उल्टा लेटे, और इससे जो मरीज को यदि 7 दिन में ठीक होता है तो उसके बहुत जल्दी आधे टाइम में ठीक होने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार से बहुत से मरीजों का जो सवाल रहता है वो ये रहता है कि इसमें जांचें कौन कौन सी होनी चाहिए, क्या बार बार जांचों की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जांचें कई बार रोजमर्रा करनी पड़ती है, कई बार अल्टरनेटिव करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो मुख्यतः जांचें हैं वो CRP, IL-6, D-dimer, सीरम फेरिटिन, LDH, इन सभी जांचों से ये पता लगता है कि उसमें वायरल एक्टिविटी कितनी स्ट्रोंग है और कहीं उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म की चांसेस तो नहीं है, क्योंकि ये चीज बहुत खतरनाक होती है। इन्हीं सब चीजों को पता करने के लिए हमें ये टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण जांच होती है D-dimer, जिसको कि इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इस बीमारी के अंदर खून का थक्का जमने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इवन कई बार हमने ऐसे मरीजों में लकवा होते हुए भी देखा है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें इसमें हिपेरिन, लोमेटिडिपेरिन जैसी दवाएं दी जाती है, कई बार एंटीकोगुलेंट देना पड़ता है। ये सब चीजें D-dimer के द्वारा पता लगता है। अतः ऐसे मरीजों में कई बार फ्रीक्वेंटली जांचें करवानी पड़ती है, जो कि बहुत जरूरी है और अति आवश्यक है, तो करवानी चाहिए। कई बार ये सवाल जनरली पूछते हैं कि भाई इसको कितने दिन बढ़ती रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस सवाल का जवाब भी इसी चीज पर निर्भर है कि व्यक्ति की कितनी इम्यूनिटी पावर है। बहुत से मरीजों को हमें कई 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी रखना पड़ता है। बहुत से मरीज 2-3 दिन में ही छुट्टी हो जाती है। ये सारा हमें उसके पैरामीटर देखकर, उसके ऑक्सीजन की मात्रा देख करके और उसमें कोमोरबिडिटी के द्वारा डिसाइड होती है। यदि जो अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं गिरती है, ऑक्सीजन की मात्रा इंप्रूव हो जाती है और किस प्रकार का और कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, तो जनरली ये जो मरीज की जल्दी छुट्टी होती है, नहीं तो टाइम भी लग सकता है। बहुत से मरीज के परिजन ये पूछते हैं कि इसमें शुगर की मात्रा क्यों बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा बढ़ जाने का कारण जो है इसमें स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड जनरली हमको देना पड़ता है साइटोकाइन स्टॉर्म को प्रिवेंट करने के लिए, तो स्टेरॉइड के कारण शुगर बढ़ती है। अतः ऐसे मरीजों को शुगर की जांच बार बार करवानी पड़ती है, ये अति आवश्यक है और ये करवानी भी चाहिए। और जनरली जो डायबिटीज के मरीज रहते हैं उनके लिए ज्यादा बड़ी परेशानी रहती है, लेकिन उसके लिए हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और शुगर बढ़ती है तो उसके कारण इस बीमारी के बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, अतः शुगर को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। दोस्तों यही सब जो है, और भी यदि कोई आप मेरे से प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।